राष्ट्रपति निर्वाचित जीत में क्रॉस वोटिंग की बड़ी भूमिका। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 18 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने के बाद राज्यभर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मिली वायु श्रेणी की सिक्योरिटी। पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, 88 मीटर 12 फेंक का भाला। त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया है। वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। तीसरे ग्राउंड में वोटों की गिनती में ही द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया था। फिर चौथे और आखिरी राउंड की गिनती के बाद जीत का अंतर और बढ़ गया। नतीजे के बाद आए वोटिंग चार्ट के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू को हर राज्य से वोट मिले हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से मिले हैं। उनको सबसे कम वोट पंजाब और दिल्ली से मिले हैं। और जैसे ही देश के नए महामहिम के नाम की घोषणा हुई, नेताओं ने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। दिल्ली के रायसीना हिल के उनके गांव रायरंगपुर तक जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। दिग्गजों ने उनको शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर उनको बधाई दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने भी मुर्मू को बधाई संदेश दिया। आदिवासी समाज की पहली महिला द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुई हैं। और अब पूरे देश के साथ ही गोरखपुर में भी उनकी जीत का जश्न मनाया गया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर गोरखपुर के वनटांगिया आदिवासी समाज के लोग खुशी से झूम उठे। और कुसमही जंगल के बीच रहने वाले वनटांगिया समाज के लोग ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न मनाने लगे। इतना ही नहीं, वनटांगिया के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में पूरे गांव में खुशी से झूम रहे हैं। इसमें महिला से लेकर युवा और बुजुर्ग भी शामिल है। हर्षोल्लास हमारे आदिवासी समुदाय से एक महिला जो सबसे ऊंचे पद पर चली गई, बड़े गर्व की बात। हमारे वनवासियों आदिवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो आज आपको सामने दिखाई दे रहा है। बारिश भी मेहरबान इंद्र भगवान में खुश है। खुशी का माहौल अलग अलग है कि एक महिला को राष्ट्रपति पद से नियुक्त किया गया है और एक छोटी सी आदिवासी महिला मतलब उच्च पद पर नियुक्त हुई है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। वाराणसी में भी गंगा नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है, लेकिन निचले स्थानों पर रहने वाले बंदिशों के लिए समस्या बढ़ सकती है। आपको बता दें कि कई वर्ष की अपेक्षा इस बार गंगा नदी के जल में बढ़ाव काफी धीमी गति से हो रहा है। नदी के जलस्तर का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जबकि खतरे का बिंदु 71.262 मीटर है। एनडीआरएफ के अनुसार मौजूदा वक्त में गंगा नदी खतरे के बिंदु से लगभग 10 मीटर नीचे बह रही है। लगातार मैदानी इलाकों और पहाड़ियों पर बारिश होने के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आप बात करें बनारस में, बनारस में हालांकि इतनी बारिश हुई नहीं, कल से बारिश का मौसम बना हुआ है, कल से बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद गंगा का जलस्तर यहाँ पर बढ़ रहा है। लगभग 3 दिनों में 12 फीट गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। तस्वीरों में दिखाएंगे आपको कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि पर्यटकों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जो भी दर्शनार्थी है वो आ रहे हैं गंगा में स्नान कर रहे हैं, उसके बाद वो मेरा नाम सम्मूली साध है, मैं बनारस से
नौका संचालन करवाता हूँ धौलपुर घाट से। जो गंगा का जलस्तर है करीब में लगता है कि 10 से 12 फीट पानी लगातार बढ़ गया है, और गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से जो हमारे काशी में सैलानी आ रहे हैं उनको स्नान करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जिस हिसाब से पानी लगातार बढ़ रहा है, जो हमारे चौहत्ती घाटों का संपर्क है, लगता है कि 2-4 दिन में वो टूट जाएगा, तो सैलानियों को जाने आने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और जो हमारे काशी में जो लोग घाट घूमने के लिए नौका संचालन करने के लिए आते हैं, गंगा आरती देखने के लिए आते हैं, वो लोग भी काफ़ी समस्या का उनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि इतने दूर से हमारे काशी में लोग आते हैं नाव घूमने के लिए, गंगा आरती देखने के लिए। तो गंगा मैया अभी उतारते तो नहीं बढ़ रही है, जिस हिसाब से बढ़ रही है अगर लगातार इसे बढ़ती रहेंगी तो वो लगता है कि 10 से 12 दिन बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव तहरा निवासी सानू की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ली गई है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी बिसौली के नेतृत्व में तहसीलदार बिसौली ने आरोपी की करीब 18 लाख की संपत्ति जब्त की है। खबर गाजीपुर से है, जहां मुहम्मदाबाद एसडीएम ने मुहम्मदाबाद ब्लॉक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक कार्यालय में कई अफसर और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इसी के साथ सीडीपीओ कार्यालय का भी औचक निरीक्षण किया, जहां कार्यालय के सभी अफसर और कर्मचारी गैर हाजिर मिले। एसडीएम ने गैर हाजिर अफसरों कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें मैंने पाया कि कुछ कुछ स्टाफ जो थे वो छुट्टी पर होने की वजह से अनुपस्थित पाए गए, और जो भी होगा उनसे एक नोटिस मांगी जाएगी कि वो छुट्टी पर थे कि नहीं थे। सीडीपीओ कार्यालय में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित नहीं था, उनको मेरे स्तर से नोटिस जाएगी। और यहाँ पे कुछ कुछ काम चल रहा है निर्माण का, साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर। मैंने जॉइंट बीडीओ साहब को दिया, निर्देश दिया है कि वो हफ्ते में एक या दो लगा करके और अपने वो करा लिया करे, सफाई करा दे। रामपुर में कांवरियों के लिए सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने फीता काटकर किया। कांवरियों को कोई असुविधा न हो इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिख रही है। इस मौके पर सभी सीओ एसएचओ एसओ के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आप सहमत होंगे, कांवड़ यात्रा चलती है यहाँ पे और बड़ी भारी संख्या में लोग जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, तो उनको सुरक्षा देना तो हमारा प्रथम दायित्व है। उसके साथ साथ हमने देखा भी एक आध घटनाएं हो गई थी हमारे इसी रेंज में अमरोहा में, तो इसीलिए मैंने सारे कर्मचारियों का आईडी कार्ड बनवाया है, उनको ब्रीफ किया है, क्योंकि इसकी उपयोगिता हमें महसूस कर रहा था कि केवल ड्यूटी लगा देने से बता देने से काम नहीं चलने वाला है। मैंने एक एक को ब्रीफ किया कि रूट का डाइवर्जन क्या होगा, विश्राम स्थल पे क्या देखना है, विश्राम गोंडा की मुजैना ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत रुद्रगढ़ नौसी में प्रदेश का प्रथम मॉडल गौ आश्रय केंद्र का जिलाधिकारी उज्जवल कुमार और मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रय केंद्र में रह रहे पशुओं को बारिश से बचाने के इंतजाम को लेकर हरे चारे पानी की व्यवस्था के बारे में संयुक्त खंड विकास अधिकारी विकास मिश्रा से जानकारी ली। साथ ही आश्रय केंद्र के सामने स्थित दूसरे भाग में मवेशियों के लिए जो व्यवस्था संचालित की जा रही है उसका भी निरीक्षण किया। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अमीर निशा मार्केट के सामने का है, जहां मार्केट में सामने बड़ी तादाद में झुग्गियों पर नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाया और कई झुग्गियों को तोड़ दिया। बीते दिनों नगर निगम ने इन लोगों को जगह खाली करने के नोटिस जारी किए थे। नोटिस देने के बाद कुछ लोग यहाँ से चले गए थे और कुछ लोग पर भू माफियाओं का संरक्षण से रुके हुए थे। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एसीएल द्वारा इस सड़क का चौड़ीकरण और पार्क बनाने की व्यवस्था की गई है। इसमें कुछ झोपड़ी हैं, इसमें 2/3 लोग लगभग जा चुके हैं और कुछ लोग बचे हुए हैं जो केवल ट्रैक्टर इनका खाली खड़ा हुआ है, काफ़ी सामान एक लोग ले जा चुके हैं। 4-5 बार हम लोगों ने इनको टाइम दिया है, उसके बाद 5-6 बार टाइम देने के बाद आज फिर यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ भूमाफिया किस्म के लोग हैं जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग इतने से जा चुके हैं और अब इसमें सहयोग कर रहे हैं।
अलीगढ़ के थाना रोड़ावर क्षेत्र के नीमरी में बच्चों के विवाद दबंगों ने शाहिद के घर में घुसकर चाकू लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजकर मामले की जाँच में जुट गई है। मेरे बड़े भैया जी हैं और मेरी भाभी जी हैं और मेरा भतीजा है। अच्छा, क्या नाम है आपके बड़े भाई का? आमीन है? आमीन यामीन यामीन यामीन। और भाभी का? आसमा आसमा। तो 3 लोग घायल हैं आप? 3 लोग घायल हैं। कैसे घायल हुए हैं? घायल ऐसे हुए हैं कि बच्चों के ऊपर लड़ाई हो गई थी, गली वालों ने समझा दिए दोनों, तो घर पर बैठे हुए थे, हम सब खाना खा रहे थे, तो 25-30 लड़के लेके आया, सलीम डीलर का लड़का, उसका नाम है सलमान, उसने इकट्ठे करके लड़के 25-30 लड़के लेके आया है, और आते ही उसने सीधा कुछ नहीं पूछा है, सीधा मारपीट करी है उसने डायरेक्ट। हरदोई जनपद में करीब 1 महीने पहले सराफा व्यापारी से हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए हरदोई पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लुटेरों ने गौसगंज नोवादा माइन पुलिस के पास से लूट की घटना को अंजाम दिया था, और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नौसा नहर के पास पुलिस टीम ने घेराबंदी की और पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। विगत दिनों हरदोई पुलिस द्वारा एक अंतर जोनल अपराधियों का गैंग अरेस्ट किया गया था, उसमें 4 अभियुक्त थे, जिसमें ज्ञात हुआ था कि ये लुटेरे हैं और उन्होंने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न घटनाएं की थी, जो कि कानपुर देहात की, उन्नाव की, हरदोई की भी थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि विगत माह कासिमपुर के एक ज्वेलर से जो लूट हुई थी उसमें कुछ सदस्य उसमें थे और माल की बरामदगी हुई थी। इसी क्रम में हरदोई पुलिस और इनके वांछित साथियों की तलाश में थी, जिसमें कि ये सफलता मिली और 3 अभियुक्त हमारे हत्थे चढ़े हैं। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।